कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका हमारे YouTube चैनल में खुश आमदीद है। आज की इस वीडियो में हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत से लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे न सिर्फ बहुत से बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा बल्कि वो अपनी अपनी ज़िंदगी में कामयाब भी होंगे। प्रेगनेंसी के दौरान पैरासिटामोल खाने से क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, आम जिंदगी में हम वैसे तो पैरासिटामोल बुखार या सरदर्द के लिए खाते ही रहते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं पर इस हद तक ख़तरनाक नहीं होते जिस हद तक प्रेगनेंसी के दौरान खाने से होते हैं। सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान जो औरतें पैरासिटामोल का इस्तेमाल करती हैं वो अपने बच्चों की IQ लेवल को डाउन कर देती हैं। IQ लेवल क्या होता है, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको इसके बारे में बताते हैं। IQ लेवल इंसानी दिमाग का स्कोर होता है, यानी कि इंसान कितना ज़हीन है, कितनी जल्दी वो सीखता है, समझता है और फिर इस पे अमल करता है। फिर किसी तरह के मसले को समझना, उसका हल निकालना और उस पे अमल दरामद कितनी जल्दी करना ये सब IQ लेवल में आता है। यूनाइटेड स्टेट्स के माहरीन, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी शामिल है, ने तकरीबन 1,50,000 माओं और बच्चों का एनालिसिस किया है और तहकीक से ये बात सामने आई है कि बच्चों की पैदाइश के हार्मोन्स में पैरासिटामोल खाने से बहुत हद तक तब्दीली आती है। एनालिसिस के मुताबिक 3 पॉइंट तक का गिराव उन बच्चों में देखा गया जिनकी उम्र अभी तक 5 साल हुई है। किसानों का ये भी कहना है कि क्या पता उम्र के साथ साथ ये और बढ़ता जाए। इसके साथ साथ बच्चों को बोलने में यानी कि स्पीच देने में भी दुश्वारी पेश आ सकती है। ये पहली बार नहीं है कि साइंसदानों को पैरासिटामोल और प्रेगनेंसी में कोई लिंक मिला है। ये ना सिर्फ पैदा होने वाले बच्चों के दिमाग पे असर करती है बल्कि उनकी फिजिकल एबिलिटीज को भी इससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है। पैरासिटामोल बहुत आम इस्तेमाल होने वाली दवाई है और प्रेगनेंसी के दौरान भी इसका इस्तेमाल काफ़ी औरतें करती हैं। तकरीबन ही हर घर में ये मौजूद होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया जाता है। NHS के मुताबिक प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में इन दवाइयों का इज्तनाब करना चाहिए। बहुत इकसाम के पेन किलर्स शामिल हैं और पैरासिटामोल इसमें से एक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।